हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य 24/7। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2019 पेपर 2 का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होने वाला है, कटअप क्या जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की आ चुका है, सारे लोग मिला लिए होंगे और आज ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट है, तो जो भी दोस्त अभी तक ऑब्जेक्शन नहीं रेज किए हैं प्लीज रेज कर दें, क्योंकि आज लास्ट डेट है। हो सकता है अरेंज करने से आपका 4-5 नंबर बढ़ जाए, तो प्लीज आप अपना ऑब्जेक्शन रेज कर दे क्वेश्चन पेपर पे। तो दोस्तों, बात करते हैं कटअप क्या होने वाला है। तो पहला पेपर इंग्लिश है, जिसमें 2125 पोस्ट है, तो इसमें उतना इजी पेपर नहीं होता इंग्लिश का भी, तो कटअप थोड़ा कम हो सकता है। तो जनरल का 90 प्लस हो जाएगा, यूअर कैंडिडेट का 90 प्लस हो सकता है, 5-6 नंबर ऊपर होगा, इससे कम जाने वाला नहीं है। ईडब्ल्यूएस का 78 जा सकता है, 78 प्लस होगा, 5-6 नंबर। ओबीसी कैंडिडेट बीसी कैटेगरी का आपको 80 प्लस जाएगा। उसके बाद एबीसी का 77 प्लस हो सकता है, एससी का 70 और एसटी का 72 प्लस हो सकता है, पीएच का 69, क्योंकि इन लोग का जो कटअप है वो मिनिमम, आप लोग का आपको पता है कि जनरल का मिनिमम 50 और ओबीसी एसटी एससी और पीएच का 45% होना चाहिए मिनिमम, तो उसी के आधार पे आपका मिनिमम 67 या 68 पीएच का हो सकता है। और अब बात करते हैं मैथमेटिक्स का, इसमें 2104 पोस्ट थे, तो उसका देखते हैं यूआर कितना हो सकता है, 100 प्लस जा सकता है, मतलब 100 से 5-6 नंबर ऊपर होगा, एक दो नंबर कम भी हो सकता है। ईडब्ल्यू एस का आपको 90 प्लस, ओबीसी बीसी का आपको 95, एबीसी का 90 प्लस हो सकता है, एससी का 80 प्लस, एसटी का 85 और पीएच का 75 प्लस हो सकता है। अब बात करते हैं फिजिक्स का, फिजिक्स में कितने सीट थे, 2384, तो इसमें क्या हो सकता है, जनरल का वही 95 प्लस और ईडब्ल्यूएस का 90 प्लस, ओबीसी बीसी का 90 प्लस, ईबीसी का 85 प्लस हो सकता है, एससी का 75 प्लस और एसटी का 80 प्लस और पीएच का देख सकते हैं आप 70 प्लस हो सकता है। देखते हैं दोस्तों केमिस्ट्री के, केमिस्ट्री में 2221 सीट है और जिसमें जनरल क्या हो सकता है, यूआर कैंडिडेट अन रिजर्व कैटेगरी का 95 प्लस, ईडब्ल्यूएस का 89 प्लस और ओबीसी बीसी का आपका